जय भीम। जय भीम सर, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। आज प्रबुद्ध वर्ग महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सतीश चंद्र मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी के आए। उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। आप लोग ने उनका बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत किया और काफ़ी संख्या में भीड़ भी यहाँ देखा गया, जिसमें सर्व समाज के लोग इस कार्यक्रम में आए थे, देखा गया। हम लोग कवर भी किए हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टी के लिए और अपने यहाँ पर जनपदवासियों के लिए? आज 1000 से ऊपर केवल बस्ती सदर विधानसभा से हमारे बस्ती सदर विधानसभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिल करके गांव-गांव में जनसंपर्क करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करके प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को एकत्रित किया और इसी तरह से अन्य विधानसभाओं में भी लोगों ने लग करके और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए रात दिन मेहनत किया। तो आज कई हज़ार की संख्या पूरा शहर जाम हो गया और कई हज़ार लोग जो है उमड़ पड़े और उन लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लेकर के माननीय सतीश मिश्रा जी को बहुत देर तक, घंटों तक उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना और आने वाले समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने संकल्प लिया कि हम उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर पांचवी बार सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को पुनः आसीन कराएंगे और कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित करेंगे और विकास की गति जो धीमी पड़ गई है इसको फिर बहन जी आएंगी और नई रोशनी लाएंगी। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पिछले 25 वर्षों से मैं बहुजन समाज पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, इसको आप भी जानते हैं, पूरा मीडिया जगत जानता है, पूरा जिला जानता है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर मैं यह गारंटी लेता हूँ कि पांचों विधानसभा जितवा करके हम लोग जो है बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। एक सवाल और करना चाहता हूँ सर, इस समय में हम लोग भी रोड पे आते जाते हैं लेकिन वर्तमान सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने जब शपथ लिया था तो इन्होंने कहा था 15 जून के पहले गड्ढा मुक्त सड़कें हो जानी चाहिए, लेकिन आज के डेट में मान लिया 1.5 साल से कोरोना काल चल रहा है, इसके पहले भी इनको कार का काम करने का अवसर था 3 साल, एक बहाना उनको आ सकता है, लेकिन ये देखना पड़ रहा कि सड़क गड्ढे में है कि गड्ढा सड़क में है, ये दोनों देखना पड़ रहा सर। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो भी है हम लोग भी काफ़ी दूर तक क्षेत्र में आते जाते हैं लेकिन कहीं भी नहीं देख रहे हैं जो 5 साल के पहले जो भी सरकारें की थी, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, लेकिन इधर कहीं भी हमने लेपन का कार्य सुचारू रूप से नहीं देखा। कागज़ में हो सकता हुआ हो या कहीं भी थोड़ा बहुत हुआ हो लेकिन बाकी नहीं हुआ है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सड़कें हैं, सड़कें ये बराबर सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें आती रहती हैं, लेकिन जो ये अधिकारी वर्ग है ये इसकी दिलचस्पी सड़क बनाने में कम है, समझ रहे हैं? इसमें मैं व्यक्तिगत तौर पर इसमें कुछ सुझाव देना चाहता हूँ, सरकार को भी देना चाहता हूँ कि जब भी सड़कें पानी में डूबेंगी और सड़क से पानी निकासी का रास्ता नहीं होगा तो चाहे जितना बढ़िया सड़क आप बनवा दीजिए, सड़क गड्ढे में तब्दील हो जाएगी। हमारे यहाँ वाटर लेवल की जो समस्या है, सीवरेज की समस्या है, सड़कों पर मिट्टी जम जाती है, उसकी पानी की निकासी नहीं है। पिछले कई वर्षों से सरकारों ने जो बेलदार वगैरह की जो नियुक्ति होती थी, जो पनकटा कटाते थे, पानी को कटवाने का काम करते थे सड़क पर,
पिछले कई वर्षों से किसी विभाग में लोग रह ही नहीं गए हैं, तो सड़कों पर दोनों किनारे जब मट्टी जम जाती है तो सड़क से ऊंचा जो है किनारा हो जाता है, और बरसात में पानी बरसता है तो सारे सड़कें गड्ढे में परिवर्तित हो जाती है, पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है, और इस तरफ किसी सरकारों का ध्यान नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी, सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह से हजारों करोड़ नहीं, आप चाहे जितना पैसा लगा दीजिए, लेकिन उसका जो तकनीकी पहलू है उस पर नहीं ध्यान देंगे तो आप ये समझ लीजिए कि सड़कें आपकी सही नहीं हो सकती हैं। इसलिए आप परमानेंट नियुक्ति करिए, जो सड़क का देखभाल वो कर्मचारी कर सके। पिछले कई वर्षों से जो कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगी हुई है उसको तुरंत अविलंब भर्ती किया जाए।